आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज एक फिर नई रेसिपी बनाएंगे हम। आज एक फिर नई रेसिपी लेके आई हूँ मैं। आज की जो रेसिपी है वो बहुत सिंपल सी एक स्पॉन्ज केक बनाने वाले हैं, लाइम स्पॉन्ज केक। बहुत इजी और बहुत झटपट बनेगी ये, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बनाते हैं लाइम स्पॉन्ज केक। चलिए हम स्पॉन्ज केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये प्लेन कर्ड लिया है, ये करीबन 120 ग्राम है। मैं इसका पूरा माप आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दे दूंगी। ये 120 ग्राम हमने कर्ड लिया है, प्लेन कर्ड है ये। इसके अंदर मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ 45 ग्राम ऑयल है। ये प्लेन ऑयल है, कोई फ्लेवर वाला ऑयल नहीं लेना है। ये है 65 ग्राम कैस्टर शुगर। ये है 1/3 टीस्पून एप्पल साइडर विनेगर। ये है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये है 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये है 1 टीस्पून लेमन जेस्ट। लेमन को मैंने छील के उसका ऊपर का जो छिलका होता है उसे ही छीलना है, व्हाइट हमें नहीं छीलना है, नहीं तो ये आपका बीटर हो जाएगा। और ये जो मैंने लिया है प्लेन 100 ग्राम प्लेन फ्लावर लिया है, यानी मैदा। अब सारी चीजें हम मिक्स करेंगे, बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। ये थोड़ा स्मूथ हो जाए। ये बैटर हमने अच्छे से फेंट लिया है। इसे मैं यहाँ पे केक टिन लिया है जिसे मैंने बटर और मैदा डाल के ग्रीस किया है, इसमें डाल के हम इसे बेक करेंगे। 180 सेंटीग्रेड पर मैंने ओवन को प्री हीट किया हुआ है, जिसमें हम 25 मिनट हम इसे बेक करेंगे, यानी ऊपर से जब तक गोल्डन हो जाए, और अगर हम टेस्ट करें तो इसमें स्टिक निकाल के एकदम क्लीन आउट बाहर आए तो हमारी केक रेडी हो जाएगी। अब इसे हम पैक करेंगे और इसे बेक करने में रख देती हूँ 180 सेंटीग्रेड पर 20 to 25 मिनट तक। ये देखिए हमारी केक आफ्टर 25 मिनट्स अच्छे से बेक हो गई है। मैं आपको इसके अंदर नाइफ डाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए एकदम क्लीन हमारी नाइफ बाहर आई है, ये अच्छे से बेक हो गई है। इसे हम इसमें से मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से बेक हो गई है, पर हमें इसे, ये बहुत गर्म है, इसे हम ठंडा करेंगे। इसे एक रैक पे हम रखेंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद इसे काट कर हम इसका यूज करेंगे। ये केक आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प, मतलब यूज कर सकते हो। इसमें से आप कोई डेजर्ट बनाना हो तो भी आप बना सकते हो। अगर इसके ऊपर आप आइसिंग करें और इसे खाना हो तो भी खा सकते हो। मेरे घर में अभी बहुत सारी अच्छी सी स्मेल आ रही है क्योंकि इसमें हमने फ्रेश लेमन जेस्ट डाला है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें घर पर और आपके अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको ये केक की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप घर पर बनाते हैं तो मुझे इसका फोटो जरूर भेजें और मुझे पूर्वी क्रिएटिव फूड लैब में जरूर आपके कमेंट्स लिखकर भेजें कि आपको कैसा लगता है, मेरी रेसिपी सारी कैसी लगती है। थैंक यू दोस्तों।